हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम हैं एक गांव में, गांव का नाम भी भाई से पूछेंगे जिनके पास हम आए हैं। तो फ्रेंड्स सर भाई आपका नाम? मेरा नाम पूरन राम। इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है शांति नगर। यहां पे ना 70-80 घर हैं, सब के सब मारवाड़ी हिंदू जो हैं। और यहां पे जो ये जो 70-80 घर है ना, ये पार्टी है। पहले ना कोई डेजर्ट के अंदर रहता था, कोई किसी डेरे पे रहता था। तो ऐसे ऐसे सारे बिखरे बिखरे, मतलब आप इसे ऐसे कह लेंगे 15-20 किलोमीटर यहाँ से दूर दूर किसी किसी दूर दूर रहते थे। तो फिर ये सारे एक इसी गांव में इकट्ठे हैं और फिर एक गांव बन गया और सारे अब मिलजुल के रहते हैं। जानवर रखे हुए हैं, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जानवर, खेती बाड़ी और कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी करते हैं। ठीक हो गया। तो मजीद यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं, स्कूल जो हिंदू वगैरह हैं वो भी हम आप पूरा गाँव विजिट करेंगे। फिर पूरा गाँव गलियाँ वगैरह हम सब। आप क्या कर? मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ और साथ में कपड़े का मेरा कारोबार। आप अपने चैनल का नाम बता दें? पूरन राम व्लॉग के नाम से चैनल। तो फ्रेंड्स इनके चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास जमीन भी है ना? जमीन भी है, एग्रीकल्चर भी है। तो खुद की है या? खुद की नहीं, हम रेंट पे लेके जैसे करते हैं। अच्छा, रेंट पे जैसे ठेके पे ले से। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसके साथ हम आगे चलते हैं और आप लोगों को पूरा गांव विजिट कराएंगे और यहाँ की पाठशाला, मंदिर, स्कूल सभी कुछ, और इनकी जमीन भी देखेंगे और इनके जानवर जहाँ पे बंधे हुए वो भी, डेरा भी। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है, आप लोगों को वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। अभी ये इतना खाली क्यों है? मतलब बस ये सारे काम वाम पे चले, डेरे वगैरह पे। बाकी ज्यादातर लोगों का जो पेशा है, मकान, वो ये है, मतलब एग्रीकल्चर से है। तो वो लोग घर में जानवर भी पालते हैं जिनका दूध वगैरह सेल करते हैं। या राम राम भाई, भाई आप कहाँ पे जा रहे हैं? आप जा रहे हैं जमीन पे? आपकी अपनी जमीन है या हिस्से पे होती है? वैसे हिस्से पे। शुक्रिया। आपका नाम? जगमाल राम। थैंक यू, धन्यवाद। आपका नाम? पवन। ये गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ। पढ़ते हो आप? पढ़ाई करते हो? नहीं, अभी छोटा है, बहुत छोटा है बच्चा है। ये जो है ये हमारा वो जो जन घर है जहाँ पे शादी वो आती है, बारात बराते आती है। मतलब ये बारात घर है, पूरे गांव का यानी मिल के बनाया हुआ है। हाँ जी जी, ये गवर्नमेंट ने बनाया था। गैस वगैरह रुक सकते हैं, में बारात वगैरह आती है तो यहाँ पे लगा देते हैं तंबू। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स ये पानी वाली टंकी है, गवर्नमेंट ने दी है और ये गवर्नमेंट की तरफ से बारात घर है। मतलब यहाँ पे जब गांव में किसी की भी बारात आए इधर किसी के घर की, तो यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे टेंट वगैरह लगाकर उनको खाना भी दिया जाता है। सर्दियों में यूज होता है, गर्मियों में भी, दोनों में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये आरओ प्लांट है इस गांव में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस गांव के दो बुजुर्ग जा रहे हैं। ये मंदिर के सामने वाली गली है, ये हॉल है। यहाँ पर जब मेला होता है, कौन से महीने में मेला होता है? तो सावन के बाद भादु आता है, उसके महीने में यहाँ पे मेला होता है। यहाँ पे शांति नगर में ज्यादा शांति है। चलते हैं मंदिर में, रामदेव जी का मंदिर। और अब हम भाई कहाँ पे चलेंगे? इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे स्कूल और स्कूल विजिट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस गांव में ना आप लोगों को हर साइड से ट्रैक्टर ट्रॉलीज नजर आएंगे। देख सकते हो ये भी ट्रॉली लगी हुई है, वो भी ट्रॉली, पीछे भी ट्रॉलियां, हल सब कुछ। मतलब ये सिर्फ इस वजह से है ट्रॉलियां वगैरह, क्योंकि यहाँ के जो ज़्यादातर 80% लोग जो है एग्रीकल्चर ही करते हैं, उनका काम खेती बाड़ी है। तो ये पीछे देख सकते हो कपास की लकड़ी। गैस नहीं होगा मेरे ख्याल से। कहाँ से? कहाँ से? टिब्बे से। क्या लेने गए थे? रेत, मिट्टी लेने गए थे। जानवर के नीचे हो जाती है थोड़ा सा पानी पानी, तो उस वजह से रेत डालते हैं। ये जलाने के काम आता है, गैस के तौर पे काम करता है। ये सारे लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो सामने देख सकते हो खेती। ये पीछे गांव है सारे और इस साइड पे सारा ही खेत है। आगे हम जाके स्कूल देखने वाले हैं। सारे घर भी हिंदू भाइयों के ही है। कितना क्लियर और साफ सुथरा नाला है, पानी इसमें रुकेगा ही नहीं। करीबन मतलब ये बस्ती बाकी बस्तियों से देखा जाए तो अच्छी है। लोग काम आम भी अच्छा ही करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। देख सकते हो जहाँ पे आप लोगों को जानवर ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि लोगों का ही बाड़ी पेशा है। आप ये कुल्हाड़ी दिखाओ थोड़ा सा, लकड़ी काटने निकल जा रहे हैं। ठीक है ठीक। हाँ हाँ हाँ, उतार दो। बाबा बोला कि हमार फोटो अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए मैंने साइड पे कर दिया अपनी चादर को। ठीक है, अब फोटो अच्छा आ रहा है। चलो, चलो, ये भी ठीक है। आपका नाम भैया? कीर्ताराम और पप्पू। कीर्ताराम पप्पू, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, खुद की जमीन है? नहीं सर, ठेके पे या राखी पे? राखी पे भी है। हिस्से पे कितना हिस्सा मिलता है? दसवां, ग्यारहवां। आपको कितना? हमारा आठवां है। आठवां हिस्सा? हाँ, जिम्मेदार होगा आठवां हमारा। अच्छा, सात जिनकी जमीन है उनके और आठवां आपका। हाँ जी। आपका कितना बन जाता है 6 महीने के बाद? 20-25 मन दाना। कनक में इतने, और जब कपास की बात आती है 40-50 का। ठीक है, उसमें ज्यादा गुजारा हो जाता है? करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी भी करते हैं, उसके साथ साथ मजदूरी भी करते हैं। गजाली स्कूल, उर्दू इंग्लिश मीडियम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क।
उर्दू इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन हिंदी का शायद होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आप लोगों को विजिट कराते हैं गजाली स्कूल, शांति नगर का गजाली स्कूल है। तो देख सकते हैं ये बच्चे, ये कैसे हाँ बच्चे, आपका नाम क्या नाम है? नाम आपका नंदिया। आपका दीपा। कौन सी क्लास है आपकी? कैसी फर्स्ट क्लास? ठीक है, ये सभी फर्स्ट में है फ्रेंड्स। ये इंग्लिश अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? इंग्लिश। हाँ तो फ्रेंड्स इनका भी इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। तो ये सभी देख सकते हैं, ये फर्स्ट है नर्सरी जैसे बोलते हैं। सर जी आपका नाम? मेरा नाम धारू राम है जी। जी सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 3 और 2 को पढ़ाता हूँ। 3 और 2 को जी। तो इसमें 3 और 2 कौन से है? ये वाली क्लास। ये देख सकते हैं सर फ्रेंड्स, ट्वेंथ क्लास, ये 3rd है। और वो कैसी है? कच्ची 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 वो कच्ची क्लास है। ये 3rd क्लास के, ये 2nd क्लास के का। ये कौन सा सबक है? नाम चार अनोखे दोस्त। आपका नाम बेटे? लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत अच्छा लक्ष्मी। फ्रेंड्स इस स्कूल में उर्दू इंग्लिश साइंस मैथ और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। सर जी हिंदी भी पढ़ाई जाती है? जी हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भी पढ़ाई जाती है और उर्दू तो उर्दू इंग्लिश ये तो कंपलसरी है, बाकी तो कंपलसरी है। हाँ ये सारे हिंदू बच्चे हैं, बहुत अच्छे। मुसलमान भी हैं 2-4। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पे कितने टीचर होंगे? टीचर 4 हैं। 4 टीचर, 3 फीमेल है। अच्छा 3 फीमेल टीचर है, 1 आप हैं जी। कोई हिंदी का एक बुक छोटी सी, हिंदी की बुक है किसी के पास? हिंदी दिखा, ये आता है आपको? अभी पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स अभी इनको पूरा तो नहीं आता होगा। Part 2, Part 3, Part 4 ठीक है रखो। ठीक है सर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अभी हम फोटो लेंगे। तो फ्रेंड्स ये शांति नगर में बहुत ही मजा आ रहा है, आप आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। तो ये शॉप है इस गांव की ये दुकान है, यहाँ सामान वगैरह आपस आप हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम मुख्तियार। तो फ्रेंड्स ये है गांव की शॉप, यहाँ से यानी कि गांव के लोग बच्चे वगैरह सभी कैंटीन भी कह सकते हैं, और गाँव में जो घर का राशन होता है वो भी यहाँ से लोग लेके जाते हैं, परचून की शॉप जैसे बोलते हैं। निम्को दाल वगैरह ये सभी बिस्किट वगैरह इस तरह की बाइक्स कराउन जी। आया अनु खुश आमदीद। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके देखें आपको वो सारा टच नजर आए। अच्छा अच्छा, सब लोगों के जानवर जो है ओपन में बंधे हुए हैं, खुले में, ये इसलिए बांधे हुए ना ताकि जानवरों को धूप लग सके, धूप लग सके। और ये जो जगह है ना, घर में इतनी जगह नहीं होती, तो ये जगह अभी जो है ये हमारे लिए, ये जो जगह गवर्नमेंट ने दिए और स्कूल वगैरह ने बनाएंगे। अच्छा तो अभी ये खाली नहीं बना, लोग अपने इसको इस्तेमाल, जानवर भी और लकड़ियां भी पड़ी हुई है। अब जो हम शॉप वाली गली से आए थे वो मतलब सेंटर वाली गली, सेंटर वाली ऐसे होती है, ये होती है बैठक टाइप, गेस्ट रूम जिसे बोलते हैं। तो सबके अपने अपने घर के आगे जानवर बंधे हुए हैं, एक बोलते हैं गंडासा चारा काटने वाला, ये है पंजाब देख। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है पूरन भाई के डेरे पे आ गए हैं, जहाँ पे उनके खेत भी है, पशु भी है। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि उनके पास कितने खेत हैं और कहाँ तक है। पूरन भाई आपके खेत कहाँ तक है, कौन से हैं? ये जहाँ से हम वहाँ से स्टार्ट हुए थे, वहाँ से गाँव से, गाँव से, गाँव से थोड़ा सा आगे आगे एक मुरब्बा उधर है 25 एकड़, मतलब यहाँ पे 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, 25 एकड़ का एक मुरब्बा, एक मुरब्बा है, मतलब दोनों मिला के 50 एकड़ इस टाइम गेहूं है ज्यादातर। ये थोड़ी सी घास वगैरह जानवरों के लिए रखा, ठीक ठीक, ये भी घास, ये घास आपके भाई वाले काट रहे हैं? ये भाई वाले काट रहे हैं। अच्छा, और ये जो जानवर हैं ये पशु आपके हैं? हाँ पशु आपके हैं, और बाकी जो दूध वाले जानवर होते हैं वो घर रख, घास काटने वो अंदर लगी, रूम के अंदर लगी हुई है, ठीक हो गया। ये बेरी के पेड़ और साथ साथ ये गेहूं, और अब मैं आप लोगों को घास लाद के ले जाने के लिए, हाँ दूसरा अगर जानवर इसके साथ होता तो थोड़ा स्लो चलती, और फिर ये फास्ट भी है, ये घास भी नहीं खाती, ये इनका रेड़ा है। और अब मैं आप लोगों को घास काटते हुए भाई दिखाएंगे। तो ये इनका घास है बहुत ही अच्छा। राम राम। ये कितने बंडल आप घर से काटोगे? जो इस घास का नाम क्या है? बर्सन। देख सकते हो ये इतना स्पीड से। तो फ्रेंड्स अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे जो जानवरों के लिए घास काटा जाता है वो कैसे काटा जाता है। तो इसमें गंडासा लगा हुआ है, वो है जनरेटर वाला।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पूरन भाई का गांव और ये डेरा फार्म हाउस जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ कहना चाहेंगे पूरन भाई? बस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मोहब्बत दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आपकी ये जो आप घर में या कहीं से भी ये वीडियो देखते हैं, ये चीज़ें डिस्कवर करना इजी नहीं होता, लेकिन जितना आप प्यार देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई पूरन भाई का गांव देख के शांतिनगर बहुत मज़ा आया, तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। भाई बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर शांतिनगर में, बहुत ही मज़ा आया क्योंकि पूरन भाई बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, यहाँ के गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई को सपोर्ट करें और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स भाई भी बहुत अच्छे हैं, भाई भी यानी कि बहुत ही अच्छे हैं, राजस्थानी कल्चर को संभाल के रखे हुए हैं। हम हैं पाकिस्तान से ना, बिल्कुल। लोगों ने भाई को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में।